हेलो गाइस, मैं नीतीश बड़ी न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे हॉटस्टार वीआईपी, अमेज़न प्राइम वीडियो और साथ ही साथ बात करेंगे आईट्यून्स इंडिया के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे एयरटेल स्ट्रीम पर और डिजिटल प्लेटफॉर्म के अपडेट के बारे में। मैं बात करूंगा उन मूवीज के अपडेट के बारे में जो कि थिएटर में इंग्लिश में रिलीज हुई थी बट वो बाद में हिंदी में रिलीज हो चुकी है या होंगी। तो फाइनली मेरे पे लिस्ट आ चुकी है और अपडेट काफी ज्यादा कमाल के, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हॉटस्टार प्लेटफॉर्म पर इस पर कौन कौन सी मूवी हिंदी में रिलीज हो चुकी है। तो पहले नंबर पे जो मूवी आ रही है वो है कैप्टन मार्वल। ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवी है कैप्टन मार्वल, जो कि एक पहली फीमेल लीड सुपर हीरो मूवी है। तो फिलहाल तो ये मूवी थिएटर में हिंदी में रिलीज हुई थी, पर ये हॉटस्टार प्लेटफॉर्म पर आपको हिंदी, तमिल, तेलुगु में देखने को मिल जाएगी। अगर आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फैंस हो, कैप्टन मार्वल के फैंस हो, तो अगर आप पे हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है तो इस मूवी को हिंदी में जाके आप देख सकते हैं हॉटस्टार पर एनी टाइम। तो काफी अच्छी मूवी है, जाके देखिए। देन उसी के साथ सेकंड नंबर पे जो मूवी है वो है स्टार वॉर्स यूनिवर्स की, यानी कि स्टार वॉर्स सोलो। तो फाइनली काफी कमाल की मूवी थी, पर रेटिंग बहुत ज्यादा कम गई, स्टोरी में ज्यादा दम नहीं है लोगों का ये कहना है, क्योंकि अभी तक ये मैंने मूवी इसलिए नहीं देखी थी क्योंकि ये मूवी थिएटर में हिंदी में रिलीज नहीं हुई थी, ये मूवी इंग्लिश में रिलीज हुई थी। पर मैंने एक अपडेट दिया था कि ये आपको ये हिंदी में देखने को मिल जाएगी, पर अब आपको ये हॉटस्टार वीआईपी में देखने को मिल जाएगी। तो जाके देखो हॉटस्टार पर सोलो स्टार वॉर। देन उसके बाद थर्ड नंबर पे है मूवी टिमोन एंड पुम्बा। तो फाइनली ये मूवी भी हिंदी में आपको हॉटस्टार वीआईपी में देखने को मिल जाएगी। अगर आपको हुकुनामा टाटा तो याद होगा गाना, जो कि आपकी बचपन की यादें हैं, और टिमोन एंड पुम्बा एक फनी कैरेक्टर थे डिज्नी के, तो उसके ऊपर भी एक मूवी बनी थी जो कि आपको हिंदी में हॉटस्टार वीआईपी में देखने को मिल जाएगी। तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बट आज ही जाके मैं शाम को इन मूवीज को नंबर वाइज देखूंगा। फिलहाल मैंने कैप्टन मार्वल पहले देख रखी है। देन उसके बाद फोर्थ नंबर पे आती है ब्रेक इट राल्फ 2। तो उसका पहला पार्ट इंग्लिश में रिलीज हुआ था, अभी तक वो हिंदी में डब नहीं हुआ है, पर जब इसका सेकंड पार्ट बना तो फाइनली वो थिएटर में इंग्लिश में रिलीज हुआ था, पर बाद में इसे हिंदी में डब करा गया और प्लेटफॉर्म के लिए रिलीज करा गया। तो आपके लिए खुशखबरी है कि हॉटस्टार वीआईपी पे आपको इसका सेकंड पार्ट भी हिंदी में देखने को मिल जाएगा, पर अभी पहला पार्ट का कोई अपडेट नहीं है, जैसे आएगा मैं बता दूंगा। अब बात करते हैं आईट्यून्स इंडिया के बारे में। तो फाइनली जिनके पास आईफोन आईओएस है तो उनके पास आईट्यून्स तो 100% इंडिया हो गई, तो आप उस पर देख सकते हैं स्पाई इन द डिसगाइज। तो फाइनली एक नई ब्रांड न्यू एनिमेशन मूवी है जो कि इंग्लिश में रिलीज हुई थी, बट फाइनली इसे हिंदी में डब कर आईट्यून्स इंडिया पे रिलीज कर दिया गया है। तो जिनके पास आईट्यून्स इंडिया है वो जाके इस मूवी को देख सकते हैं, जिसकी डबिंग करी है टॉम हॉलैंड ने और विल स्मिथ ने। तो मूवी काफी कमाल की, रेटिंग भी काफी ज्यादा अच्छी गई थी। देन बात करते हैं उसके बाद अगले प्लेटफॉर्म पर, यानी कि प्राइम वीडियो। तो इसका सब्सक्रिप्शन तो ऑलमोस्ट सभी पे ही होगा, मेरे पे भी है, और प्राइम वीडियो पे आपको मेल देखने को मिल जाएगी चार्ली एलियंस, जो कि काफी कमाल की मूवी है। और कल के दिन मैंने ये मूवी देखी और पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि मैंने काफी लोगों के रिव्यू देखे थे यूट्यूब पर, लोगों का कहना था कि ये मूवी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, बट हाँ तीन पार्ट जो पहले के थे वो काफी ज्यादा दमदार थे और ये वाला पार्ट भी मुझे अच्छा लगा। और आने वाले टाइम में कुछ ईस्टर एग भी दिए गए हैं, तो ये मूवी सीरीज कंटिन्यू होगी। तो जिनके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है वो जाके इस मूवी को देखिए। अब बात करते हैं अगले प्लेटफॉर्म की, जो है एयरटेल एक्सट्रीम। तो मेरे पास एयरटेल की सिम है और जैसे ही मैं 149 का रिचार्ज करवाता हूँ मंथली, तो मेरे को एयरटेल एक्सट्रीम की सर्विस फ्री मिलती है, जिसमें कि नाइज आउट फाइनली इंग्लिश में आ चुकी है और उन्होंने, कंपनी ने वादा करा है कि वो इसकी हिंदी डबिंग पर काम कर रहे हैं, और जैसी हिंदी डबिंग हो जाएगी तो ये सबसे पहले आपको एयरटेल एक्सट्रीम पे देखने को मिलेगी। तो फिलहाल अगर जिसको इंग्लिश में ये मूवी देखनी है तो फुल एचडी एयरटेल एक्सट्रीम पे आ चुकी है, जिनके पास एयरटेल की सिम है तो उनको ये फ्री में देखने को मिल जाएगी और बाकी इंटरनेट पे आपको देखने को मिल जाएगी, पर हिंदी में सबसे पहले एयरटेल स्ट्रीम पर आएगी, फिलहाल अभी के लिए नहीं है। अब बात करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के अपडेट के बारे में। तो जॉन वीक, जो कि सबकी फेवरेट मूवी है ऑल टाइम, पहला पार्ट दूसरा पार्ट हिंदी में आ चुका था इसका, पर जब थर्ड पार्ट बना इसका और जब थिएटर में रिलीज हुई तो इंग्लिश में रिलीज हुई। फिलहाल तो उसका अपडेट आया था कि ये मूवी हिंदी में डबिंग होगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी, बट अभी तक डेट कन्फर्म नहीं हुई है। तो जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये हिंदी में डब होकर रिलीज होगी, इसकी ऑफिशियली डेट आ जाएगी, तो मैं आपको तुरंत इसका एक अपडेट दे दूंगा। तो गाइस, मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ जॉन वीक के लिए, और इससे पहले मैंने जो उतनी भी आपको मूवी बताई है प्राइम वीडियो हॉटस्टार, आप जाके देखिए। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे पेज को लाइक करें। रियली में आपको जो वीडियो पसंद आ तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पर थैन उसके हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय, जा रहा हूँ।